प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को इंडोनेशिया के जकार्ता में आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि इतिहास, भूगोल, भारत और एशिया को जोड़ते हैं। यहां पीएम मोदी ने हिंदी में अपना भाषण दिया। जानकारी के मुताबिक पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साझा मूल्यों के साथ साथ बहुध्रुवीय दुनिया में क्षेत्रीय एकता, शांति, समृद्धि और आपसी विश्वास भी हमें एक साथ बांधते हैं। एशिया भारत की एक्ट ईस्ट नीति के केंद्र में है। G20 समिट के लिए विदेशी मेहमानों का भारत आना शुरू हो गया है। 9 और 10 सितंबर को शिखर सम्मेलन के लिए कई राष्ट्रों के प्रमुख भारत में मौजूद होंगे। सभी के स्वागत की तैयारियां पूरी है और अब उन मंत्रियों की लिस्ट सामने आई है जो विदेशी नेताओं को एयरपोर्ट पर रिसीव करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को केंद्रीय मंत्री जनरल वी के सिंह रिसीव करेंगे, जबकि ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक का स्वागत अश्विनी चौबे करेंगे। सनातन धर्म पर डीएमके नेता और तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि के बाद अब डीएमके के ए राजा ने विवादित बयान दिया है। ए राजा ने सनातन धर्म की तुलना एड्स और कुष्ठ रोग से की है। द्रमुक के ए राजा ने गुरुवार को कहा कि सनातन धर्म की तुलना उन बीमारियों से की जानी चाहिए जिनके साथ सामाजिक कलंक जुड़ा है, जैसे एड्स और कुष्ठ रोग। राष्ट्र स्वयं संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बुधवार 6 सितंबर को कहा कि हमारे समाज में आज भेदभाव मौजूद है। जब तक यह असमानता बनी रहेगी तब तक आरक्षण भी जारी रहना चाहिए। हम संविधान में दिए गए आरक्षण को पूरा समर्थन देते हैं। भागवत ने यह भी कहा कि अखंड भारत या अविभाजित भारत का सपना आज के युवाओं के बूढ़े होने से पहले सच हो जाएगा, क्योंकि 1947 में भारत से अलग होने वाले लोग अब महसूस कर रहे हैं कि उनकी गलती क्या है। भागवत का बयान ऐसे समय आया है जब महाराष्ट्र में आरक्षण के लिए मराठा समुदाय का आंदोलन एक बार फिर तेज हो गया है। भारत में इन दिनों देश का नाम बदलने को लेकर सियासी इन्वेंशन मैच। G20 समिट के इनविटेशन और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने के बाद यह घमासान और भी बढ़ गया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने भी इसे लेकर अपना बयान दिया है। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के डिप्टी स्पोक पर्सन फरहान हक ने कहा है कि अगर उन्हें नाम बदलने का रिक्वेस्ट आता है तो वह इस पर विचार करेंगे।